नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ओनली पॉजिटिव, केवल सकारात्मक, और मैं हूं सुनील यादव। और आज हम आपको दिखा रहे हैं एप्साइटी का डेमो। ये डेमो आपको संकेत जोशी जी दिखाएंगे, जिन्होंने बहुत ही बारीकी से समझाया है कि किसान भाई एप्साइटी का उपयोग कर किस तरह से लागत में कमी ला सकते हैं और उत्पादकता में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो या फिर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट उसका जवाब भी देंगे। तो देखिए एप्साइटी का डेमो संकेत जोशी जी के साथ। अभी क्या होता है, खेत में जब अपन पानी डालते हैं ना या अपन स्प्रे करते हैं तो ये स्थिति रहती है। अब यदि अपन इस बूंद को देखेंगे ना तो ये जो बूंद है ज्यादा एरिया को गीला कर सकती है, पर ये करेगी क्योंकि पानी में खुद को समेटे रखने की शक्ति ज्यादा होती है पेट्रोल और घासलेट के मुकाबले, केरोसिन के मुकाबले, इसलिए पानी की बूंद बनती है। अभी हमारे पास फिलहाल क्या तरीका है इसको आगे बढ़ाने का, हमारे पास बस एक ही तरीका है, इसके पीछे से और पानी डालो तो ये आगे जाएगा। इसलिए खेत में जितने पानी की जरूरत होती है उस हिसाब हमको डालना पड़ता है, ठीक है। अब जो मैं एप्सा की बात कर रहा था, मैंने इस बॉटल में एप्सा को लिया भरा हुआ है, तो एक बूंद पे मैं एप्सा डालता हूँ। अब यहां पे आप दो चीजें नोटिस करेंगे, पहला वो बूंद बड़ी हुई और दूसरा वहां पे धीरे धीरे रंग बदल रहा है। रंग क्यों बदल रहा है, क्योंकि पानी अंदर जा रहा है ना। अब कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि उसमें ऊपर से टपका दिया पानी इसलिए ऐसा हो गया, इस पे टपका दो। इस पे आप पानी डालते जाएंगे ये फैलता जाएगा। जब खेत में इसको हम डालते हैं तो इसका असर एक महीने तक रहता है खेत की जमीन पर। अगर आपने स्प्रे कर दिया या किसी भी माध्यम से खेत की जमीन पर चला गया तो इसका असर एक महीने तक रहेगा। उसमें जितनी भी बार आप पानी डालेंगे उसकी स्थिति ऐसी ही होगी, ठीक है। अभी हम इसको एक मिनट के बाद दोबारा देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। अब हम एक दूसरी चीज समझते हैं, अभी जब हम खेत में स्प्रे करते हैं तो ये स्थिति रहती है हमारी पत्ती की। मेरे ख्याल से ऐसा स्प्रे आप करते भी नहीं होंगे। हाँ, पौधे को निकाल के टंकी में डुबो के वापस। तो अब अगर आप देखेंगे तो पानी आपको यहाँ दिख ही नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में दिख रहा है। स्प्रे होता है, अब इसमें मैं आपसे डाल दूंगा। दूसरी पत्ती डालते हैं, तो आप देखेंगे कि पानी इसमें एक लेप की तरह लग गया है। ठीक है, तो हमारे स्प्रे जो है वो बच जाते हैं, कम स्प्रे करने पड़ते हैं हमको, ठीक है। अगर आपने इसको यूज किया, कई बार ऐसा होता है कि सोयाबीन में हम स्प्रे करते हैं और बारिश में चारा मार स्प्रे करते हैं और पानी रहता है, इसको 1-1.5 मिनट लगता है दवाई को पत्ती के अंदर ले जाने में। और यदि इसको मिला के आपने स्प्रे किया तो बारिश होने के बाद भी आपकी दवाई सुरक्षित रहती है, ये इसका एक बहुत बड़ा काम, ठीक है। तो हमारे स्प्रे की जो संख्या है वो कम हो सकती है, कीटनाशक जो है वो हमको कम लगेगा, और एप्सा जो है वो 3 साल की उसकी एक्सपायरी, 3 साल तक खराब नहीं होता। तो अगर आपने उसको लिया और आपके पास बचा हुआ है, बस उसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, जैसे आप हर दवाई को संभाल के रखते हो उसको भी रखना है, तो 3 साल तक वो खराब नहीं होता और किसी भी तरह की फसल में, किसी भी तरह की मिट्टी में, किसी भी तरह की दवाई के साथ आप उसको यूज कर सकते, है ना। तो अभी तक जितने भी लोगों को ये दिया है किसानों से, 20 साल हो गए इस प्रोडक्ट को, और भारत में इसको, हाँ भारत में लगभग 2002 से इस्तेमाल हो रहा है, बानापुरा और आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। लोगों की इस प्रोडक्ट को लेके एक ही कंप्लेंट है बस, जो पहले उनको देता था ये अब उससे मिलता नहीं उनको, कोई आया था देके चला गया, अब दोबारा नहीं, हमने वोट डाला मिलता ही। तो हम जो उस समय देख रहे थे, है ना, अब हम वापस से इसको देखें। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पानी पूरा गत्ते के अंदर चला गया है। अब यहां पे अगर देखें तो हमारे स्प्रे की स्थिति ये रहती है।
अब अगर आप दोनों को दबा के देखेंगे तो आपको ये वाली सतह ज्यादा नरम मिलेगी, तो ये जमीन को नरम कर देता है, तो अंकुरण जो है बहुत आसानी से होता है। कठोर जमीन के अंदर जो है वो इतना वजन रहता है बीज के ऊपर कि अंकुरण जो है वो कई सारे बीजों का नहीं हो पाता सही तरह से, नहीं पाते बाहर दही खराब हो जाता, यहाँ पे जो है अंकुरण सही हो जाता है। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये, अगर आप देखेंगे तो पानी ऊपर ही ऊपर रह गया, वो अगर आप यहां देखेंगे तो यहां नीचे तक की सतह में आ गया, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो खेत में जब भी आप इसको यूज करेंगे, खासकर जैसे गेहूं के सीजन में आप यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि नमी जो है वो 25-28 दिन बनी रहेगी, ऊपर पपड़ी आ जाएगी मिट्टी के ऊपर, लेकिन अंदर जब थोड़ा सा पपड़ी को हटा के आप देखेंगे तो अंदर इतनी गीली रहेगी मिट्टी 20-22-25 दिन बाद भी कि आप उसको इकट्ठा करके लड्डू जैसा बना सकते, इतनी नमी रहती है। ठीक है, तो पानी बहुत कम लगता है हमको, और जिनके पास पानी अच्छा है उनको इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि वो जमीन को रिपेयर कर देता है, अंकुरण जो है बढ़ाने में मदद कर देता है, ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। अब आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, मेरी बात खत्म हो गई। सिंचाई में जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो सिंचाई में इसको 1 एकड़ में इसकी जो मात्रा है आप सैटी की वो 160 ml जाना चाहिए। अब इसको पहुंचाने के 3 तरीके हैं हमारे पास जो किसान यूज करते हैं। पहला तरीका है कि आप 1 एकड़ में जब आपको सूखी जमीन पे स्प्रे करना है आपसा, तो लगभग आपको 5 पंप यानी 5 टंकी लगेंगी स्प्रे की, तो हर टंकी में आप इसको 30 ml डाल दीजिए तो 150 ml 1 एकड़ में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि अगर आप खाद डाल रहे हैं तो खाद में अगर आपने मिट्टी में मिला के इसको डाल दिया तो भी जमीन पर असर आ जाएगा सिंचाई के लिए जब आप पानी छोड़ेंगे। ठीक है, और तीसरा जो देसी तरीका किसान लोग इस्तेमाल करते हैं कि इसका जो घोल है उसको एक बॉटल में बना के बॉटल को सलाइन की बॉटल जैसा उल्टा टांग देते हैं तो उससे बूंद बूंद टपकता रहता है, तो जहां से पानी अंदर जा रहा है वहां से पानी के साथ मिलकर अंदर चला जाता है। और जिनके पास ड्रिप है, अगर कोई ड्रिप की खेती करता है तो उसके लिए वरदान है, क्योंकि ड्रिप की पाइप की एक लाइफ रहती है और उसको बार बार एसिड से साफ करना पड़ता है, वो चोक बहुत होता है, तो जो उसके जहां से पानी टपकता है वो नोजल्स को जाके बार बार साफ करना पड़ता है। अगर आप एप्सा इस्तेमाल करोगे तो आपका पाइप हमेशा क्लीन रहेगा और नोजल हमेशा क्लियर रहेंगे, उनमें से हमेशा पानी टपकता रहेगा, ये इसकी खूबी है। तो जो पाइप है उसको जब एसिड से साफ नहीं करना पड़ेगा तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, अराउंड 3 साल उस पाइप की शायद लाइफ होती है। जो लोग एप्सा इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने बताया कि वो 4-5 साल हो जाते हैं पाइप चेंज नहीं करना पड़ता, ये एक बहुत बड़ा फायदा है। बीज आरोपण कैसे करेंगे, बीज कैसे तैयार करेंगे, बीज का बताया था। बीज में तो आप 100 किलो बीज में 160 ml इसको तेल की तरह लगा लीजिए, बीज उपचार जैसे बाकी चीजों से करते हैं, 3-4 घंटे पहले भी लगा के रख सकते हैं बोनी से, और 2 दिन पहले भी करके रख सकते हैं, बस नमी नहीं मिलना चाहिए बीज में, तो उससे कमजोर बीजों के अंकुरण में मदद करता है, हवा से नमी इकट्ठी करके बीज पे डालता रहता है, इकट्ठी करता रहता है वहां पे नमी, तो बीज की लाइफ बढ़ जाती है। अगर उसको पानी थोड़ा कम भी मिलेगा या थोड़ा देर से मिलेगा तो भी वो थोड़ा लंबे समय तक फाइट कर पाता है। एक मिनट तो ये जो सारी प्रक्रियाएं जो है, अगर खर्चा देखेंगे कि हमारा खर्चा कितना है, तो अराउंड जो है वो हमको 400-425 रुपए पर एकड़ खर्चा बैठता है, और वो भी तब बैठता है जब हम ये सारी प्रक्रिया प्रति एकड़ अगर करेंगे, तो इनमें से अगर कोई भी प्रक्रिया हम अगर ड्रॉप करते हैं, कुछ भी इसमें से नहीं करते, तो वो खर्चा कम हो जाएगा, है ना। जैसे कुछ लोग केवल अगर सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं तो बीज उपचार में नहीं करेंगे, ठीक है, और कुछ लोग जो है वो खाद में इस्तेमाल करते हैं तो सिंचाई में अलग से नहीं डालते क्योंकि उस पर मिट्टी पर असर आ ही जाता है। तो ये जो खर्चा बता रहा हूं मैं, ये मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना होगा। और अगर आप ऐसे देखें केवल चारा मार कीटनाशक में इस्तेमाल करेंगे यदि आप सबको, तो आपको 1 लीटर की बॉटल 8-10 एकड़ में काम आ जाएगी, तो आपको किसी भी तरह के एडजुवेंट से बहुत सस्ता पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जितनी भी चीजें मैं कह रहा हूं आप, ये सारी की सारी चीजें जो है वो रिसर्च बेस्ड है, इसके पीछे भारत के बहुत सारे कृषि विद्यालय उन्हें रिसर्च किए और रिसर्च के रिजल्ट्स लिख कर दिए। दूसरा, भारत सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है एप्सा के पास, जो अभी तक मैंने इस फील्ड में किसी और प्रोडक्ट के साथ नहीं देखा। लोग क्लेम करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो एप्सा की तरह है, पर कोई लिखा हुआ कुछ नहीं दिखाता कभी, और हमारे पास वो लिखित में, ये बहुत बड़ा फर्क है। जो भी है हमारे पास वो प्रूवन है ना, उसके उसका हमारे पास आधार है रिसर्च, ठीक है, बाकी जगह ये नहीं मिलता।
जो भी आपको एप्सा बता रहे हैं या जिनसे भी आप एप्सा जो है वो जिन्होंने भी आपको बताया है उनसे एप्सा का पीडीएफ आप जरूर लीजिए। वो आपको पीडीएफ देंगे जिसमें ये सारी रिसर्च है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं। थैंक यू।